हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और ये हम अभी चल पड़े हैं धार चक से अपने गांव की तरफ। और आप ये देख सकते हैं, ठाणा गांव बहुत ही साफ एवं शुद्ध वातावरण, ये रोहल का, ये पर्वतों के ऊपर आपको चांद दिखाई दे रहा है, बहुत ही पसंद नज़ारा ये रोहल की वादियों में। ये हम चल पड़े हैं अभी घर की तरफ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे शारी। हेलो कपिल भाई, क्या हाल है? कहाँ थे के? बस इधर ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, हल्के हल्के बादल चोटियों में। आप आजकल इन चीज़ों का नज़ारा ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जो क्लाइमेट है हमारा बहुत ही साफ रहता है। और दोस्तों, केवल दिन के वक्त ही हम ऐसे घूम सकते हैं, सुबह शाम आजकल टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है। और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बादल, बहुत ही ये आसमान, नीला आसमान जो कि आपको शहरों में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पहाड़ों में ज़रूर मिलेगा। और ये चांद पहाड़ों पे, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर चंद्रस्त होने के लिए तैयार नज़ारा, शायद मार्च के महीने में। और ये आप देख सकते हैं अभी है नवंबर, और बहुत ही पतझड़ लगभग हो गया है ख़त्म, और बहुत ही असम दृश्य है ये आप देख सकते हैं। ये मैं और भाई आज घूमने के लिए आए थे इधर, और ये थोड़ा रोड की दशा हमारी ठीक नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही कच्चा रोड है। ये पालतू जानवर जो कि आजकल हरी घास खाने हर कहीं घुस जाते हैं, अभी आपको भी मौका मिले आप भी आइए हमसे रूबरू हुई है यहाँ के नेचर से। और हमारे ब्लॉग बनाने का उद्देश्य भी यही रहता है कि हम आपको बता पाए कि जो चोटियाँ आप दूर दूर से देखते हैं उन्हें हम आपको बहुत ही डीप ले जाएंगे, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक। और ये स्टार्ट होता है हमारा ठाणा रोड। अभी पहुंचने वाले हैं गांव, ये आप देख सकते हैं गांव के लोग बहुत ही अपने काम के लिए जा रहे हैं खेतों के लिए। दोस्तों, आपको लगता है कि हम आपको एक ही चीज दिखाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन क्लाइमेट हमारा जो है वो लगभग चार बार चेंज होता है। और ये आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला जो कि अपनी खेतों के लिए गोबर ले जा रहे हैं। हाँ बुढ़िया ही, तेरे बैठा की दवा नहीं डॉक चाहिए क्या ना? नहीं दी जरूरी है ठीक है ठीक है, उड़िए कोई बात नहीं, टेंशन दे दो। ओके 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 ओके, कम कम कौन नहीं, कम कम देख सकते हैं लगभग 72 ईयर्स एज है इन नानी की, और ये अभी भी काम करने में सक्षम है। कहते हैं कि इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छी तरह से बना रहता है। और ये हम पहुंच गए हैं अभी अपने गांव, ये आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से बर्फबारी हो चुकी है। शारी नामक स्थान, ये हमने आपको पहले भी दिखाया था, बहुत ही औसम दृश्य है ये रोहल का। और ये पहुंच गए हैं हम अपने गांव अभी। हेलो रानी भाई, ये हम पहुंच गए हैं गांव जो कि है चिचवाड़ी, हमारा गांव रोहल का पहला गांव।
काफ़ी सुंदर। यहाँ पर एक अलग ही तरह की शांति आपको मिलेगी, एक साइलेंस। यहाँ इस टाइम पे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे घरों पे, क्योंकि काम अपना घास लकड़ी ये सब चीज़ें हमें समेटनी पड़ती है सीज़न के लिए। और ये हमारे लाला जी रमेश भाई, इन्होंने की हवा के कारण सारा काम बंद किया हुआ है कुरकुरे लगा के। और ये हम पहुंच गए हैं फिर से वीर जी के पास। और बीजी बैठे हैं बिल्कुल अकेले, खा रहे हैं केले।